भाई देखो कितना गजब का लुक है। वाओ कितने बादल, कितने अच्छे लग रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है इवनिंग का 4:10। और फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ हमने आपको दिखाया है हमारे छत का व्यू। मौसम इस समय बहुत अच्छा हो रहा है, बट हम लोगों के लिए अच्छा है, घूमने वाले लोगों के लिए, ब्लॉग बनाने वाले लोगों के लिए और मटर गश्ती करने वाले लोगों के लिए। बट इस समय क्या है ना, किसान का पूरा फसल तैयार है, उन लोगों के लिए बहुत बेकार है। तो अभी हम आपको फसल भी दिखाएंगे कि फसल कैसे पूरी तैयार हो गई है, बस कटने पिटने को है। और हम आपको अभी आपने देखा, ये देखो ये है महुआ का पेड़, महुआ का फल भी लग गया है, पूरा उसमें बन गया है। तो अब महुआ भी गिरने वाला है। और इधर देखो ये नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ में भी पत्तियाँ पूरी झड़ गई है। और हमने आपको दिखाया था पापड़ वाले टाइम पे कितनी पत्ती गिरती थी, अभी भी देखो बस झाड़ू लगाते रहो, बहुत इतना झाड़ू लगाते हैं हम लोग, बोरी में भर भर के पत्ती नीचे जलाते हैं शाम टाइम में मच्छर न लगे। अभी आप देख सकते हैं पूरी पत्ती नीम की पूरी गिर गई है, झड़ गई है और नई पत्ती निकल रही है, बहुत प्यारी लगती है पत्ती, छोटी छोटी। इस टाइम की पत्तियाँ खाओ ना तो ज़्यादा कड़वी भी नहीं लगती और खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैं डेली सुबह मॉर्निंग में खाती हूँ 6-7 पत्ती। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस पेड़ में पूरी एक साथ पत्ती गिरी, एक साथ लगती है, लेकिन इस पेड़ में ऐसा सीन नहीं है। इस पेड़ में आधे आधे पेड़ में मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस पेड़ में पूरी पत्ती एक साथ गिरी है और एक साथ निकली है, लेकिन इस पेड़ में ऐसा नहीं है। इस पेड़ में आधे पेड़ में एक साथ पत्ती नहीं गिरी थी और कुछ पत्तियाँ बड़ी हो गई हैं, कुछ पत्तियाँ अभी छोटी हैं। आपको मैं थोड़ा पास से जाके दिखाती हूँ। इधर का देखो सारी पत्ती बड़ी हो गई है और इधर क्या है ना, अभी ऊपर ऊपर पत्ती अभी निकल रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस टाइम का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम का मौसम तो आपको पता ही है कैसा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी हो रही है, अजीब सा मौसम हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मौसम में ब्लॉग बनाते हैं, और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में बने रहना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर देना और लाइक करना ना भूलना। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले हमारे घर के अगल बगल की फसल कटने पिटने को रेडी हो गई है। सरसों तो काट ही चुके हैं हम, आपको दिखा दिए हैं, उधर बाहर लगी भी है, कल की वीडियो में हमने दिखाया है। जो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लीजिए। फ्रेंड्स देखो अभी धूप आ गई है, बहुत अजीब से मौसम हो रहा है। और सच बताएं कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी जाके देखो, हमने अपनी सारी फीलिंग्स शेयर की है उसमें। मैंने बताया है कि वीडियो नहीं डाल रहे थे, क्यों किसी की वीडियो पे नहीं जा रहे थे और हुआ क्या था। लेकिन कुछ लोगों को आधी वीडियो देख के ही कॉमेंट कर दिए हैं, तो भाई हम उन लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं क्या हुआ ना, सब कुछ मिक्स हो गया। कुछ नमूनों की वजह से तो नहीं हुआ था, मेन सब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इस तरह नमूनों पर ध्यान देने लगी तो हो गया, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीज़ मिक्स हो गया था ना। तो मूड यार, इंसान है, मूड खराब हो जाता है, सबके साथ होता है। बट लोग ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान देने की कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग बात को समझ के कमेंट उसी हिसाब से करते हैं, कुछ लोग ज्ञान देते हैं बस समझते नहीं है बात को। तो मैं आपको बता देती हूँ प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों मिक्स हो गया था, तो गैप लेना जरूरी है। उतना अच्छा बहुत रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है कि हम वीडियो बनाते, इसलिए हम थोड़ा सोचे गैप ले लेते हैं। भाई जब जिसका अच्छे खासे सब्सक्राइबर और व्यूज़ आते हैं ना, तो वो सोचता है चलो एक साइड में रखो और अपने काम पे लग जाओ, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत अच्छा व्यूज़ भी नहीं आता, बहुत अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिलता, तो इतना ज़्यादा लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा बस थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो चैनल वैसे मेरा कुछ खास चैनल नहीं है, 470 ही है अभी, कल 78 हुआ है, तो 478 है, उसमें से बहुत से अनसब्सक्राइब होते हैं, बहुत से सब्सक्राइब होते हैं। तो इस सब्सक्राइबर पे ध्यान नहीं देने का है और अपने काम पे ध्यान देना है। जब बढ़ेगा, जब ग्रो होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि भाई सबका टाइम आता है, टाइम है हर सबका दिन आता है। तो ये नहीं कि आज ही बनाया, आज ही हमने वीडियो पोस्ट करी वायरल हो जाए, होता है सबके साथ, होता है मेरे साथ भी होगा, बस मेरा अभी टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं फसल। फसल देखने के पहले देखिए ये अंकल आए हैं झाड़ू लगाने, और ये देखिए पीली पीली जो बोरी से ढकी है ये है सरसों कट के ढक गई है। अभी हम खड़े हैं अपने छत पे, आप देख सकते हो अपने छत पे हैं और इधर है खेत। तो हम आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं कि इधर की फसल कैसी है।
तो ये देखो भाई, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ये है गेहूँ। इसी में बोया था, मटर भी बोया था, इसी में सरसों भी बोया था। तो मटर और सरसों कट गई है और आप देख सकते हैं कि पूरी ये फसल बेकार हो गई है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये फसल सरसों काटने से बेकार हुई है, बारिश की वजह से नहीं ख़राब हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हुई ही नहीं है। हम हर जगह देख रहे हैं मौसम बहुत ख़राब है, लाइट नहीं आ रही। तो जब लाइट का स्ट्राइक चल रहा था तो सच बताएं मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता था मेरा मूड सही नहीं था ना, तो हम ज़्यादा न्यूज़ व्यूज़ कुछ ध्यान नहीं देते थे। अरे यहाँ लाइट नहीं आई तो हमें पता चला कि स्ट्राइक चल रहा है। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, सबसे अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। हमने मतलब और जगह तो बहुत दो दो तीन तीन चार चार दिन लाइट नहीं आई थी, लेकिन हमारे यहाँ इवनिंग में गई थी, एक दिन पहले इवनिंग में गई है, दूसरे दिन इवनिंग में आ गई। ओनली एक दिन के लिए लाइट गई थी, तो उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो और जगह तो लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो भाई हमारा उचाहार काफ़ी अच्छा है, उचाहार का नाम ही ऐसा है, उचाहार में ऊंचे ऊंचे काम होते हैं। तो ऊंचे ऊंचे जितना चीज़ था हमने दिखा दिया है। एनटीपीसी का थर्मल पावर तो है ही है, और अभी आपने देखा कि वहाँ पे हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे सरसों कैसे ढक के रखी हुई है, क्योंकि बारिश का मौसम बनता है, बहुत भयंकर मौसम बनता है, बट बारिश होती नहीं है। और अभी देखा आप लोगों ने, अंकल झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा टाउन में आता है तो झाड़ू लगाने आते रहते हैं, कूड़ा वाले अंकल भी आते रहते हैं। तो वैसे टाइम है, वो अपने टाइम पे आते हैं, लेकिन हम लोग भी मंदिर है तो हम लोग भी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगल में थर्मल पावर एनटीपीसी है, लेकिन वहाँ से लाइट का नहीं है, बस ये टाउन से लाइट आती है, अच्छी है। अभी भी देखो आप, अभी भी वो लाइट जल रही है, लाइट है। अब हम आ गए हैं इस वाली छत पर, और इस वाली छत पर हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरा करके नीचे का फसल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, कुछ गेहूं पके हैं, कुछ गेहूं कच्चे हैं। एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ, ये फसल भी देखो क्या कह रही है। ये फसल ये कह रही है, देखो एक ही साथ ये लगा है, ये वाले मतलब ये वाले खेत में पूरा एक ही साथ लगा है। देखो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी फसल पक गई है, लेकिन वो साइड में नहीं पकी है। तो भाई वही होता है ना कि एक साथ कुछ काम करने से कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये फसल भी यही कह रही है, इसमें तो कोई है नहीं, प्राकृतिक देन है। और ये देख सकते हैं आप कि वहाँ पे नहीं पकी है, तो भाई ध्यान पूरे खेत में बराबर दिया जा रहा था। इसी तरह उस वाले खेत में बगल में आप देखो, यहाँ से भी लेके वहाँ तक पका है और उधर से लेके वहाँ तक नहीं पका है, पूरा खेत गेहूं एक ही है, लेकिन ऐसा होता है। प्राकृतिक देन है, कुछ नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम लोगों का भी है, इंसान है, उतार चढ़ाव तो लाइफ में आता ही रहता है। तो भाई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई टेंशन हो जाती है, इंसान है, कुछ अच्छा होता है तो कुछ ख़राब भी होता है। बहुत से लोग बहुत सी बातों पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बहुत से लोग संभल जाते हैं, और बहुत कभी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आदमी अपने आप को सब कुछ जानते हुए भी, क्या हमें मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए नुकसान है, क्या हम इस जगह पे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब इंसान को पता होता है। आजकल के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता होता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। भाई सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। ज्ञान देना आसान है, लेकिन उस चीज़ पे अमल होना, वो चीज़ खुद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ज्ञान देना आसान है, बोलना आसान है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के। अब ये पूरी दुनिया में एक ही तरीके के इंसान होंगे तो जीने का मज़ा ही कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा ना। तो हर तरीके के लोग होना ज़रूरी है। तो भाई हर तरीके के लोग होते, हर तरीके के ज्ञान देते। अब एक ही जैसा सारा सामान एक ही जैसा हो जाएगा तो आदमी मतलब समझ रहे हैं ना आप, बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं, जो जिसके माइंड होगा वो समझ जाएगा। तो वही बात है। तो आपको भी हमने इतना बढ़िया एग्जांपल दिया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स हमने आपको छत का व्यू पूरा दिखा दिया है। मैं बता दूं आपको, अगर ऐसा मौसम ना होता तो शायद अभी भी मैं वीडियो ना बनाती, क्योंकि सच बताएं मौसम का भी बहुत अपने ऊपर इफ़ेक्ट होता है, असर होता है। अगर आस पास का मौसम मतलब माहौल बेकार है, और आप कितना भी अच्छा सोच रहे हो, अगर हम मेरे अंदर में बहुत अच्छी बातें चल रही है, माइंड बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे ऐसे लोग ऐसा माहौल मिल जाता है कि पूरी
पूरी माइंड की एकदम दही हो जाती है। तो वही हाल है, मौसम इस समय हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो इसीलिए हम भी सोचे हम भी अब थोड़ा सा कूल कूल हो जाते हैं और वीडियो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे मौसम को। तो मौसम की वजह से सच बताया मेरा मूड सबसे पहली बार तो मेरा मौसम की वजह से अच्छा हुआ है, क्योंकि हमको ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमको गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद और ठंडी तो मुझे बहुत पसंद है, और ऐसा मौसम भी बहुत पसंद है, और घूमना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए हम ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को अच्छा अच्छा दिखाते हैं, और मौका मिलेगा तो बाहर भी जाएंगे। तो अभी तो हम बाहर जा नहीं पाते हैं, और आसपास के जितना भी था मैं जहाँ तक हम जा सकते थे अकेले वहाँ तक मैंने कवर कर लिया है, और आने वाले टाइम में तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे ही। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, और आपके यहाँ मौसम कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके यहाँ मौसम कैसा है, क्योंकि आज हमने अपने ब्लॉग में मौसम के बारे में बताया है, अपनी अगल बगल की एक्टिविटी, अपनी फसल, मतलब जो भी है वो दिखाया है, बताया है। तो आप लोग बताना कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स देखो, ब्लॉग एंड करते करते मौसम इतना भयानक बारिश वाला बन गया है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। इतनी तेज हवा चली ना कि पूरा बादल जो होता है ना उसको उड़ा दी, बारिश कराने से बचा दी। तो हमारे यहाँ यही सीन हो जाता है जब बारिश का मौसम पूरा बन जाता है, बादल एकदम छा जाते हैं बारिश होने के लिए, तो हवा इतनी तेज चलती है कि पूरा बादल बिल्कुल साफ। अभी आप देखो पूरा बादल बिल्कुल ही साफ है, ये देखो बिल्कुल साफ है बादल। ये देखो भाई कितना, मतलब इतनी भयंकर हवा चल रही है। ये देखो पेड़ को देखो, बढ़िया डांस कर रहे हैं, और काफी अच्छा मौसम हो गया है। हम आ गए नीचे और एकदम बादल जैसे लग रहा है ना कि बिल्कुल शाम हो गई है, और देखो कितना गजब का मौसम हो गया है, काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड। तो देखो अभी धूप थी, अभी हो गया है बादल एकदम काले काले, और मेरा फेस भी बिल्कुल रेड रेड लग रहा है, क्योंकि उधर एकदम लाल लाल पूरे बादल छाए हुए हैं। तो बादल ने कितनी हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स आज हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इधर देखो ये भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम इंजॉय करने जा रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग शिकायत करोगे कि थोड़ा छोटा छोटा ब्लॉग बनाया करो, पूरी फुल वीडियो नहीं देख पाते हैं। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में। आज तीन चार बार बाय बाय करें, लेकिन इतना अच्छा मौसम हो जा रहा है ना कि क्या बताएं काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो ये बच्चे उधर खेल रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग भी। अब बच्चों को नहीं दिखाएंगे, बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, कल के ब्लॉग में। तो ये देखो भाई इतना दौड़ रहे हैं ये लोग, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, कितनी बार बताऊँ अच्छा लगता है।